हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, एमपी एसआई के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि टॉप 100 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि काफी आईएमपी लेवल के रहेंगे। ये आपका सुपर फास्ट वीडियो रहेगा गाइस, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन फटाफट हम डिस्कस करेंगे। आप इसको रिविजन वीडियोज भी मान सकते हैं। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स सपोर्ट मिला तो गाइस हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा। हम ज्यादा से ज्यादा इसके 10 पार्ट बना सकते हैं, अगर आपको अच्छे रिस्पॉन्स सपोर्ट मिला। वो डिपेंड करता है आगे भी सीरीज को चलने में आपका सपोर्ट कितना रहेगा। काफी आईएमपी लेवल के क्वेश्चन है, अभी रट लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको हाई लेवल के मिलेंगे या एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, आपको बता दें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी करंट की अपडेट होती है वो पूरी हम यहीं पर प्रोवाइड करते हैं। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था। मध्य प्रदेश का जो एकीकरण हुआ था, ये हुआ था 1956 में, 1956। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश कितने संभागों में विभाजित है। जैसा कि आप सभी को बताइए, मध्य प्रदेश 10 संभागों में विभाजित है। डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, 10 संभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। देश में अगर जनसंख्या की दृष्टि से हम बात करें तो 6वां स्थान आता है मध्य प्रदेश का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है 2रा स्थान। ध्यान रखना इन चीजों के बारे में गाइस। शुरू शुरू में 5-10 जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े से लो लेवल के रहेंगे, तो आप इसे टेंशन मत लीजिएगा कि आप बिल्कुल लो लेवल के क्वेश्चन करवा रहे हैं। धीरे धीरे हम जो है इसका जो रहेगा वो बढ़ाते चलेंगे क्वेश्चनों का लेवल, तो आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बाकी आगे आने वाले वीडियोस में और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गाइज, एमपीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। 400 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। फ्री आपको कैसे मिलेगी ये टेस्ट सीरीज, जरा सी बात सुन लीजिएगा हमारी। इसमें गाइज टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, और इसको फ्री आप एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप प्ले स्टोर से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद में गाइस ये जो टेस्ट सीरीज है पूरी तरह से फ्री है। बस आपको पोर्टल चार्ज देने को 50 रुपये पोर्टल चार्ज, जैसा कि आप सभी को बताइए रजिस्ट्रेशन पोर्टल चार्ज लगता है, तो वो आपको 50 रुपये देने होंगे। बाकी जो टेस्ट सीरीज है पूरी तरह से फ्री है। अगर आप फिर भी कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑफर सीमित समय के लिए है, आप जल्दी कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस हमारे सभी ई बुक और इसके अलावा टेस्ट सीरीज इन पर जो डिस्काउंट है वो स्पेशली आपके लिए डिस्काउंट हमने किया है। तो ये जो डिस्काउंट, पहले जो इसका प्राइस थी वो 350 रुपीज़ थी, तो इसको डिस्काउंट करके हमने गाइस 299 कर दिया आप सभी की डिमांड पर। साथ ही 2020 की जो ई बुक है ये 169 की कर दी है। जिन लोगों को परचेस करना है अभी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये 299 रुपये और 169 रुपये स्पेशली आप सभी के लिए किया है। साथ ही मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल टेस्ट सीरीज 150 रुपये इसकी प्राइस अभी कर दी है, और एमपी जीके का स्पेशल जो कोर्स है इस पर 50% का भी डिस्काउंट चल रहा है, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर चेकआउट और डेमो आप जरूर से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है इसका नाम है बरगद का वृक्ष। बरगद यानी बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकीय पशु अगर आपको पूछे जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, ये आप सभी को बताइए, ब्रेडरी जनजाति का बारहसिंगा जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन गाइस, राजकीय दिवस क्या है। तो राजकीय जो दिवस है मध्य प्रदेश का ये है आपका 1 नवंबर। 1 नवंबर आप सभी को बताइए ये राजकीय दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में। तो लोकसभा सदस्य जो है ये है यहाँ पर 29, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा सदस्यों की संख्या, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यानी 11 करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है ये 230 है, यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी आप सभी को बताइए ये आपकी भोपाल में स्थित है। इसके अलावा इस जिला पंचायत की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में। तो जिला पंचायत की जो संख्या है मध्य प्रदेश में ये 50 है, यानी जिला पंचायत, देखिए अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में जिले हैं ये 52 है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये ऑप्शन इस हिसाब से मिले तो आपको ऑप्शन देख के क्लिक करना है, इस ऑप्शन में आपका 50 करेक्ट रहेगा, और जिले जो है मध्य प्रदेश में 50 है। अब डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन किस हिसाब से मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या आपको बताना है, विकास खंड 313 जो कि डी ऑप्शन में करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था। ये जो समाचार पत्र था ये था साप्ताहिक आपका ग्वालियर अखबार, यानी आपका सी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से रहेगा।
योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए मध्य प्रदेश योजना मंडल के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे श्री प्रकाश चंद्र सेठी, जो कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना मंडल का जो पदेन अध्यक्ष होता है ये होता है मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है, यानी किस राज्य में मिला हुआ? सबसे अधिक जो सीमा लगती है मध्य प्रदेश की ये लगती है आपकी उत्तर प्रदेश के साथ में, उसके बाद में गुजरात का नंबर आता है, यानी सबसे कम जो सीमा लगती है ये गुजरात और सबसे अधिक लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये जो परसेंट है ये है 9.37%। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, देश के 5 राज्य से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? देखिए उत्तर प्रदेश की मिलती है, गुजरात की मिलती है, राजस्थान की मिलती है, बाकी जो पश्चिम बंगाल है इसकी नहीं मिलती है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ था? मध्य प्रदेश में विद्युत का जो उत्पादन प्रारंभ हुआ ये हुआ 1905 में, यानी 1905 से ये शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्नलिखित में से किसने बनाई थी? विद्युत जो योजना बनाई थी सबसे पहले मध्य प्रदेश के लिए ये बनाई थी हेनरी हार्वर्ड ने, हार्वर्ड यहाँ पर इनका नाम है, हेनरी हार्वर्ड, याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? हमने अभी आपको बताया था दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का इसमें रहेगा। विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है गाइस? ये आपका भोपाल में स्थित है विद्युत अनुसंधान केंद्र। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है? सबसे अधिक जो निर्भरता है मध्य प्रदेश में ये ताप विद्युत पर है, ताप विद्युत, यानी आपका बी करेक्ट रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजघाट वृहत विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? ये योजना बनाई जा रही है बेतवा नदी पर, जो कि कुंभरा गांव रायसेन से निकलती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है? अब इनमें से आपका जो नेपा नगर है इनमें जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है, क्योंकि ये आपका अखबारी कागज कारखाना है नेपा नगर, जो कि बुरहानपुर में आता है। बाकी ये जो सभी है यहाँ पर जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? ये जो प्रदेश है इसका नाम है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोटुल प्रथा पाई जाती है? गोटुल प्रथा पाई जाती है मुड़िया जनजाति में, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? ये गुजरती है नर्मदा नदी के समांतर होकर। मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? सबसे पहला ये सर्वप्रथम ये है आपका इंदौर जिला, सी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से भी रहेगा। मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा जो गुजरती है ये गुजरती है आपकी भोपाल नगर से होकर। निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है? नहीं है, आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को थोड़े से अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर दलहन, सोयाबीन और आपका चना, इन तीनों में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। यहाँ पर जो स्थान नहीं है मध्य प्रदेश का प्रथम, ये आपका आता है किस चीज का? कपास का। तो कपास का स्थान नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपका मंडला जिले में आता है फासिल। अब देखिए यहाँ पर आपको कई सारे लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लीजिएगा। आपका जो कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान आता है, कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका आता है मंडला में। और ये जो फासिल आता है ये आपका एक्चुअली में डिंडोरी में आता है। कहाँ पर? डिंडोरी में आता है। तो ये थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। अब इस प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी से बनती है। दक्षिणी जो सीमा बनती है मध्य प्रदेश की ये जो बनती है गोदावरी नदी से बनती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गाँव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? तो भोपाल जिले का ये गाँव है कस्तूरबा ग्राम, इसका नाम है, ध्यान रखिएगा कस्तूरबा, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? ये अफीम का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश मंदसौर में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, उससे पहले हम आपको बता दें गाइस स्पेशल तैयारी के लिए नया चैनल लॉन्च किया है, अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये हमारा चैनल है एग्जाम टाउन, इसका नाम हमने रखा है। यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर कवर करवाया जा रहा है, पूरे एक साल का पूरा करंट मिलेगा। MPPSC, MPPEB एग्जाम, MP पुलिस, MP, इसके अलावा NTPC, SSC सभी जो एग्जाम है उनकी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो आप नेशनल करंट अफेयर यहाँ से कवर कर सकते हैं मंथली और टॉपिक वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है और राज्य पक्षी दूधराज है, प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? ये आपको बताना है। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, बारहसिंगा है या राज्य की पशु। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की संज्ञा प्रदान की गई है?
तो ये जो दुर्ग है इसका नाम है ग्वालियर का दुर्ग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया जा रहा है या अपनाया गया है? ये जो ढांचा अपनाया गया है तीन स्तरीय, यानी तीन स्तरीय, यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन किस वर्ष में शुरू हुआ था, यानी किस वर्ष से इसका आयोजन स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1981 से, यानी 1981 से। मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की जो है मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा प्रदान की गई है? ये जो नगर है इसका नाम है इंदौर। इंदौर इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाज खनिज क्षेत्र है, ये किस खनिज का उत्पादन करता है? ये करता है आपका तांबा का, तांबा, सॉरी यहाँ पर आपका मैग्नीज से जवाब रहेगा। मलाजखंड में तांबा बेसिकली पाया जाता है, बट आप मैग्नीज भी देख लीजिएगा क्योंकि मैग्नीज भी यहाँ पर मिलता है। तो दोनों चीजें आप याद रखिएगा, मलाजखंड जो बालाघाट है यहाँ पर तांबा का उत्पादन किया जा रहा है, तो और इसके अलावा मैग्नीज भी यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ये दोनों ऑप्शन से जवाब में अगर आपको मिलेंगे तो यहाँ से आपका मैग्नीज आपको लगाना है। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ मिले तो आपको मैग्नीज लगाना है, बाकी अगर मैग्नीज आपको नहीं दे रखा हो तो आपको तांबा लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? अब ये 52 गजा जो आता है ये आपका आता है बड़वानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है? अब ये जो जनजाति है इसका नाम है कोरकू जनजाति, यानी बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान में मध्य प्रदेश का यानी प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया? ये नगर आपका है, ये जो स्थान है इसका नाम है शिवपुरी। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? ये जो फसल है इसका नाम है, देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में जो फसल बोई जाती है इसका नाम आपको बताना है। अब चार जो ऑप्शन मिले उस हिसाब से आपको क्लिक करना है, क्लियर है? चारों ऑप्शन में से जो सबसे अधिक बोई जाती है, धान, चना, ज्वार और गेहूँ। तो यहाँ से आपका धान जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये जो आपका इटारसी आता है ये आपका होशंगाबाद जिले में आता है। मालवा के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? इनमें से मालवा के पठार के अंतर्गत सीधवाड़ा का पठार, झालावाड़ उच्च भूमि, सागर पठार, यानी आपका जो इसमें से शामिल नहीं है ये आपका आता है भड़ोच का पठार। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है? महाकालेश्वर का मंदिर आपका उज्जैन में स्थित है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया था? अब ये जो मिलाया गया था भोपाल राज्य, ये 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, ये है मध्य प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी भाग, यानी उत्तरी पश्चिमी जो भाग है मध्य प्रदेश का, ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? ये जो जिले हैं इनके भिंड मुरैना वाले जिले, तो या भिंड मिले या मुरैना मिले आपको दोनों करेक्ट रहेगा। चंबल संभाग भी अगर आपको मिल जाए तो वो भी करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किस में पाए जाते हैं? वनों के में सबसे जो अधिक पेड़ पाए जाते हैं ये साल के पेड़ पाए जाते हैं, साल सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? देखिए रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है ये ग्वालियर में स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? अभी काठी जो नृत्य है ये आपका एक नाट्य है, तो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? तो ये जो नाट्य है ये है आपका मालवा का। मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला आपको बताना है, और ये जो जिला है इसका नाम है खरगोन जिला, जो कि एकमात्र गांजा उत्पादक जिला है। मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? इनका इन मंदिरों का जो निर्माण करवाया था चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। काना किसली किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान बना था? गाइस काना किसली बना था 1955 में, 1974 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? सबसे प्रमुख जो साधन है ये है मध्य प्रदेश में नहरें, नहरें द्वारा सबसे प्रमुखतया यहाँ पर जो है सिंचाई की जाती है। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षक का केंद्र खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में आते हैं? ये आते हैं आपके छतरपुर जिले में खजुराहो मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सम्राट अशोक से संबंधित है? ये जो स्थान है इसका नाम है सांची। सांची जो है यहाँ पर इन्होंने जो है सांची के जो स्तूप का निर्माण भी करवाया था, आपको बताएं डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है? उच्च न्यायालय आपका जबलपुर में है, जबलपुर बी ऑप्शन करेक्ट। मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है?
ये जो आपका रहेगा जिला, ये आपका झाबुआ जिला रहेगा, जो कि आपका सी ऑप्शन रहे। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बुरहानपुर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? अब ये जो सोयाबीन क्षेत्र है ये है आपका मालवा क्षेत्र। सबसे अधिक इन्हें सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है मालव। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदी है यह है आपकी केन नदी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे इनमें से महू बसा हुआ है, जहाँ से चंबल का उद्गम होता है। जानापाव पहाड़ी महू से ही ये नदी निकलती है और महू इसके किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश में लोह अयस्क उत्पादित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? लोह अयस्क जो उत्पादित करता है ये आपका करता है बालाघाट। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निम्नलिखित में से कौन सा है? ये नगर आपका इंदौर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? गाइस ये जिला अभी हमने आपको बताया मंदसौर जिला है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, माफ कीजिएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ पर स्थित है? पर्यावरण जो न्यायालय है ये आपका भोपाल में स्थित है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादित करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? अब ये जो क्षेत्र है ये आपका छिंदवाड़ा रहेगा, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं, इस हिसाब से आपको क्लिक करना है। मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ उत्खनित किया जाता है? देखिए मध्य प्रदेश में हीरा जो सर्वाधिक उत्खनित किया जाता है ये किया जाता है मझगांव में। मझगांव यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश में संगमरमर निम्नलिखित में से किस स्थान पर अधिक उत्पादित होता है? अब देखिए संगमरमर का तो आप सबको पता है ये आपका जबलपुर में होता है, जो कि भेड़ाघाट स्थान पर है। मध्य प्रदेश की उर्मिल परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य के सहयोग से बनी है? उर्मिल परियोजना जो बनी है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त उद्यम से परियोजना मिलकर बनी है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? अब सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है आपका मंडीदीप। कहाँ पर होता है? मंडीदीप में इसका उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर बजाज टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? ये भी आपका पीतमपुर में किया गया है। कहाँ पर? पीतमपुर में किया गया है बजाज टेम्पो का कारखाना। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अब देखिए मध्य प्रदेश में जो जलप्रपात है उन सभी के नाम हम आपको बता चुके थे, कई बार हमने आपको पढ़ाया है भी। चंबल चचाई जलप्रपात, टोंस जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, ये सभी मध्य प्रदेश के। बोगरा जो जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश में नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मध्य प्रदेश में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है? आप सभी को पता ही है कि उज्जैन का प्राचीन नाम है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? ये आप सभी को पता है बरगद, ऑलरेडी हम कवर करवा चुके हैं। कर्मनृत्य किस जाति से संबंधित है? कर्मनृत्य जो जाति है गाइस ये आपकी गोंड जाति है, गोंड जाति से संबंधित नृत्य है आपका कर्मा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है? इनमें से ब्रजभाषा जो बोली क्षेत्र नहीं है ये आपका दतिया है, दतिया में ब्रज भाषा जो है ये नहीं बोली जाती है। मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है सागर पुलिस महाविद्यालय में, तो बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से रहेगा। भगोरिया नृत्य का किस जिले के आदिवासियों का है? अब देखिए ये जो भगोरिया जो नृत्य है ये बेसिकली भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब ये आदिवासियों के नृत्य है एक तरह से आप मान सकते हैं। झाबुआ जिला इसके लिए फेमस है, यानी झाबुआ के जो आदिवासी और भील है इनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती है? बुंदेली भाषा रीवा में नहीं बोली जाती है या प्रयोग नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? भारत भवन संबंधित है ललित कला, प्रदर्शनकारी कला, साहित्य, ये सभी से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? अब ये जो रविंद्र भवन है गाइस ये विशाल सभागृह है। क्या है? विशाल सभागृह है, ये है बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई? फिल्म विकास निगम की स्थापना की गई 1981 में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में ऐशबाग जो स्टेडियम है ये आपका भोपाल में स्थित है, भोपाल यानी आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वर देवी का मेला आयोजित होता है? ये आपका चंदेरी अशोकनगर में होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ से करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोध घाट जल विद्युत परियोजना स्थित है? मध्य प्रदेश में इंद्रावती जो नदी है इस पर ये आपकी बनी हुई है, बी ऑप्शन करेक्ट यहाँ से रहेगा।
प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित थे? कुमार गंधर्व जो संबंधित थे देवास से संबंधित थे, देवास में ही इनका जो है समारोह भी आयोजित किया जाता है। आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? कोरकू जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में। मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? अब पुलिस संभाग जो है मध्य प्रदेश में ये 14 है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई? इसकी स्थापना भोपाल में की गई। पत्रकारिता आप सभी को पता है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय यहाँ पर है भोपाल में, तो उसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। मध्य प्रदेश में दो विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं जिनमें एक भोपाल में है और दूसरा किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये भोपाल में है और जो दूसरा है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका सतना में है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस वर्ष में किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहेगा, काफी इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? समवर्षा रेखाओं की बनावट जो प्रकार की है ये है आपकी मोड़दार प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? अब संदेश जो पत्रिका है एक तरह से आप मान सकते हैं, इसका जो प्रकाशन होता है भोपाल से होता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ये प्रकाशित की जाती है एक तरह से। तो मध्य प्रदेश संदेश का जो प्रकाशन होता है भोपाल से इसका प्रकाशन होता है। मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? मध्य प्रदेश का पिन कोड होता है 4 डिजिट, यानी 4 अंक जो है, एक अंक है 4, इससे प्रारंभ ये होता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गाइस MPPSC की फ्री टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, तो ये टेस्ट सीरीज पूरी तरह से फ्री है, बस आपको पोर्टल चार्ज देने होंगे 50 रुपीज। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और डिस्काउंट का पूरा लाभ आप एक तरह से उठा सकते हैं। साथ ही गाइस हमारी ई बुक जो है 2020-21 की, इन पर भी स्पेशल ऑफर चल रहा है। 299 में 2021 की मिल रही है, 2020 की 169 में मिल रही है। अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है, सबसे बेस्ट ऑफर है। ऑफर सीमित समय के लिए, जल्दी कीजिएगा। इसके अलावा एमपी पुलिस की टेस्ट सीरीज 149 में मिल रही है, इस पर भी काफी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। साथ ही एमपीजी के स्पेशल कोर्स पर 50% का डिस्काउंट है, सभी को आप चेकआउट कर सकते हैं, डेमो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, चेकआउट जरूर से कर लीजिएगा। गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप अपना कीमती सुझाव हमें जरूर से दें, ताकि हमें पता चले कि आपको एक्चुअली में पसंद भी आ रहे नहीं आ रहे। इस सीरीज को अगर कंटिन्यू करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस। बाकी आने वाले जो वीडियोस है वो भी आपको जल्दी जल्दी मिलते रहे, इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। बाकी गाइस आज के स्टूडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए स्टडी वीडियो के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।